ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो नौवां अध्याय 21वां श्लोक। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। तो ब्रह्मा जी अपनी सुंदर प्रार्थनाएं जारी रखे हैं और हमें समझा रहे हैं कि कैसे प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं शेष की सैया पर। हाँ, उस प्रलयकारी जल में जिसमें आम आदमी घबराता है छोटे से तूफान से भी, आप उसमें आराम से शयन करते हैं क्योंकि आपके लिए ये एक छोटा सा कार्य है प्रलय और क्रिएशन। यत्ना भी पद्म भवनात् अहम आसम ईडय लोक यत्र उपकरण यत अनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसानविक सन्निलेन लिने क्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ। यानी कि आपकी नाभि से, गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से, नाभि को एक झील की तरह बनाया गया। उस झील में कमल उगा, उसके ऊपर मैं पैदा हुआ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर थे। जब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमल की तरह खुले हुए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बता रहे कैसे मैं इस संसार में आया। अपनी पोजीशन, अपना सिचुएशन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कितने असहाय थे जब इस संसार में पैदा हुए थे, याद रखिए। हम अपना मल मूत्र भी नहीं साफ कर सकते थे। मल मूत्र के लिए भी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमसे बेहतर तो कई जानवर हैं जो मल मूत्र और खाना पीना पैदा होते ही अपना काम चालू कर देते हैं। और हमें हर चीज़, दवाइयाँ, डाइपर, कपड़े, एसी, गर्मी, सर्दरी, नर्सरी, पता नहीं क्या क्या चाहिए, तब आदमी का बच्चा थोड़ा संभल पाता है और बाद में सब भूल जाता है कि मेरी कितनी दयनीय स्थिति थी। हाउ डिपेंडेंट आई वॉज एंड एक्चुअली आई एम। द थिंग इज, अब मुझे थोड़ा सा ताकत आ गई है तो मुझे लगता है नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। लेकिन ब्रह्मा जी जो है, इतनी ताकत आने के बाद भी अपने जन्म को नहीं भूले। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अपने आए हुए कष्टों को नहीं भूलना चाहिए, हमें मिली हुई मदद को नहीं भूलना चाहिए, हमें मिले हुए ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को नहीं भूलना चाहिए। तभी हमारा माइंड जो है सही स्टेट में रहता है, नहीं तो हमारा माइंड में अहंकार पैदा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं पैदा हुआ। सोहम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन मिडयते भगवान भगेन तेनैव मे दश मनुस्पर्शताद्यथाथम थाहम स्त्रक्ष्यामि पूर्ववदिम वदिदम प्रणत प्रियोसो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हों, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र हैं, आत्मा हैं, और वे अपने छह ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु सब लोगों का पालन पोषण करते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी यहाँ खुद नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, आई एम द क्रिएटर, मैंने तुमको पैदा किया है। देखिए, शारीरिक रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने सारे शरीरों की रचना करी है। अब हम देखते हैं, कई बार हम अपनी संतानों के क्रिएटर अपने आप को मान लेते हैं, है ना, जबकि हमने उनको शरीर प्रदान करने में योगदान दिया है। ऑल्दो देखा जाए तो शरीर भी ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएटेड है। यहाँ पर शरीरों को क्रिएट करने वाला भी ये क्लेम नहीं कर रहा है कि अहम बीज प्रदापिता, आई एम योर ग्रैंडसायर, आई एम योर फोर फादर, आई एम द फादर, दी ब्रह्मा, दी ग्रेट, वो नहीं बोल रहे हैं सर। जबकि ही एक्चुअली में ब्रह्मा जी ने तो बनाई है सारी योनियाँ। उस योनियों के अलग अलग शरीर के डिजाइनिंग किसने करी है? ब्रह्मा जी ने करी है बाय द नॉलेज ऑफ कृष्णा। बट वो एक बार भी क्लेम नहीं करे। लेकिन इस संसार में हम कुछ संतान उत्पन्न कर देते हैं तो हम बोलते हैं आई एम द क्रिएटर, आई एम योर क्रिएटर। तो ये सीखना चाहिए हमें ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे इस जगत के सारे जीवों के एकमात्र मित्र हैं, एकमात्र आत्मा वही है, वही इनके पालन करता है, वही है असली सब कुछ, सबका पालन करने वाले। वे मुझ पर कृपालु हों जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं। पहले की तरह, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पिछले दिन में भी क्रिएशन किया था, अब ये नया दिन है, हर दिन में प्रार्थना कर रहे हैं।
देखिए प्रार्थना इसका मतलब रुकती नहीं है, प्रार्थनाएं तब नहीं होती हैं जब मेरा एग्जाम आ रहा है, भगवान मुझे एग्जाम में पास करा देना। प्रार्थनाएं तो हमारे जीवन का नित्य पाठ है। ये तो जो क्षणिक लाभों को चाहते हैं वो कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं कहीं कहीं पर जाकर, वास्तव में भगवान के भक्त तो हमेशा ही प्रार्थनाएं करते हैं, सुख है दुख है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं इस संसार से रिलेटेड है ही नहीं। उनकी प्रार्थनाएं यही हैं कि मैं अपने रियल सेल्फ में स्थापित हो पाऊँ, विच इज द आत्मा, जीवन स्वरूप एक नित्य कृष्णदास, मुझे भक्तों का संग मिल पाए, मुझे आपकी सेवा मिल पाए, मैं आपके धाम को प्राप्त हो पाऊँ, नथिंग मटीरियल, देयर फॉर इट कंटिन्यूज 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 फॉर एवर। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं हर दिन में प्रार्थना कर रहे हैं मुझे फिर से वो शक्ति प्राप्त हो क्रिएशन करने की, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय हैं। देखिए क्योंकि कहते हैं ह्यूमिलिटी, व्यक्ति इतना कुशल होने के बाद इतना क्या, ब्रह्मा जी के बारे में हम सोच नहीं सकते वास्तव में कि हु इज ही, उसके बाद भी वो इतना हम्बल है, कह रहा है कि मैं भी एक साधारण सा जीव हूँ। इस संसार में व्यक्ति करोड़पति बन जाता है तो कभी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं भी तो आप जैसा ही हूँ। हाँ, उसको हमेशा लगता है नहीं तुम वहाँ बैठो तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। हाँ, अगर उसको छोटे सा कोई व्यक्ति धोती कुर्ता में पहुँच कर बोले आप भगवान का नाम लीजिए, हाँ तो कोई लो पकड़ो कितने का चेक काटना है, ये लो पकड़ो चेक पकड़ो, ओके गेट आउट, समय नहीं मेरे पास। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं भी तो आप जैसा ही हूँ, मैं उस जीव जैसा, और वो जीव क्या है, भगवान को बड़े प्रिय है। हाँ, हम सब भगवान को बड़े प्रिय हैं वास्तव में, हम सभी मुंह मोड़ के बैठे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मश्कत्या यत् करश्यसि करश्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्र ममिदं सृजो अपि चेतो युज्जीत कर्म शमलम च यथा विजहाम। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लाइव भी देखते हैं विभीषण के केस में, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, दुश्मन के खेमे में से आए हुए व्यक्ति को शरण दे देना समथिंग। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल भगवान दिखाते हैं, शरणागतों को वर देते हैं, उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे ये विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे अपनी सेवा में मुझे लगाएं। ये देखिए हम संसार में यदि कुछ करते हैं तो उसको सेवा मानना चाहिए। सेवा का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, और उसी कार्य में गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कार्य भी आता है क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए के कार्य को हम क्या कहते हैं, सेवा। तो हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम बड़े बड़े मैनेजमेंट देख रहे हो, चाहे हम झाड़ू पोछा मार रहे हो, चाहे हम प्रसाद भोग बना रहे हो, ये सारी सेवाएं हैं। कुछ भी सेवा हम कर रहे हो तो उसको सेवा करने से पहले हमें उसके तो प्रार्थना करनी चाहिए और ये मांगना चाहिए कि मैं इस कार्य को सेवा के मूड से कर पाऊं, ना कि अपनी कॉम्पिटेंसी को दिखाने के मूड से। आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग सो मैनी थिंग्स, सो मैनी पीपल, सच अ बिग प्रोजेक्ट, आई एम कैपेबल, ये ना सोच के हम ये सोचें कि मैं इसको सेवा कितना लूँ। हाँ, वास्तव में आपकी कृपा से मैं कर पाऊँ, ऐसी प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, कि मेरी विनती है कि भौतिक जगत में सृजन में वो मुझे अपनी सेवा में लगाएं, और मेरी यह प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हो जाऊँ। ऐसा ना हो जाए कि मैं जब इतनी बढ़िया बढ़िया क्रिएशन करूं तो मैं कहूं वाह क्या बनाया है मैंने, देखो ये देखो, देखो रे देखो लोगों मेरे दम को कैलाश पर्वत उठा रहा हूं। रावण ऐसा बोलता है कैलाश पर्वत को उठाने के बाद, और बेचारा अंगद के पैर की टो को, उसको आगे की उंगली को नहीं उठा पाता है। हाँ, वो सरप्राइज हो जाता है, मैंने तो कैलाश उठाया था, ये बानर का पैर नहीं उठा पा रहा। पूछते हैं अंगद से कहां से मिलती है तुम्हें शक्ति, अंगद कहते हैं यही क्वेश्चन का मैं चाहता था, कब बोलेगा ये दुष्ट। तब बोलते हैं हाँ जो प्रहलाद ने बोला, प्रहलाद से भी पूछते हैं हिरण्यकश्यप कहां से मिलती है तुझे शक्ति बालक, दोनों का जवाब हाँ जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है उसी से हमें मिलती है, भगवान के नाम से, भगवान से हमें शक्ति मिलती है। अंगद कहते हैं भगवान का नाम मैं अंदर ले लेता हूँ, राम अंदर चला गया, अब सबसे भारी वस्तु संसार की मेरे अंदर है, अब कौन उठा सकता है मुझे। तो इस प्रकार से अंगद भी बोलते हैं, तो हम सब के शक्ति का सोर्स वही है। तो हम जब भी कोई कार्य करें तो
तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कहीं हम उस कार्य के रिजल्ट से प्रभावित होकर अपने आप को कोई बहुत बड़ा नाम मान लें, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और हमें एक तरह का एक ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे इस संसार में सोचें, क्योंकि इस तरह मैं श्रेष्ठा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम होऊंगा, नहीं तो मैं सोचूंगा आई एम द क्रिएटर। श्रेष्ठा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, या अहंकार हमारे सर पे चढ़ जाता है तो हम अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे ना हो जाए मेरे साथ, हे भगवान प्रार्थना करना, और ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए डेली, क्योंकि माया निरंतर अपना काम कर रही है, ध्यान रखिए निरंतर। एक जरा सी सावधानी कि हम गिर गए, फंस गए। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहता है। हर हमारे अंदर अक्सर ये होता है, देखो दी मैंने क्रिएट किया, दिस इज ऑल माइंड, कितना बढ़िया किया मैंने। किंतु बुद्धिमान लोग भली बात ही जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है। इतने अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए, लेकिन भगवान इतने हम्बल हैं कि भगवान भी सामने नहीं आते हैं कई बार, कभी भी भगवान बताते नहीं है कि मूर्ख तूने क्या किया, मैंने तो किया हर चीज़ मैंने दी। देख उस आदमी के दिमाग में मैंने डाला कि वो तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, वरना कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी मिल सकता था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं थी आप सोचेंगे तो, लेकिन भगवान हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से जो आनंद है वो लोअर टेस्ट है। लेकिन जो अध्यात्म आनंद है, जो सर्विस में आनंद है, सर्वेंट बनने में आनंद है, आध्यात्मिकता में आनंद, वो बहुत हायर है। इसलिए भगवान कभी भी, वो तो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, और भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान को श्रेय देना चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमें भी ऐसी बुद्धि मिले, भगवान हमारी बुद्धि को एकदम लाइन पे रखे। हे भगवान, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हम भी अपने आप को कर्ता न मान बैठे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।